Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna टेक्नोवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपके लिए लाए हैं नथिंग फोन 2A का फुल डिटेल्ड रिव्यू एकदम टेक्नोवेज स्टाइल में। अब ये फोन हमारे पास लॉन्च से पहले आया था, इनफैक्ट हम बार्सिलोना गए थे उससे भी पहले हमारे पास आ गया था। तो हमने इसको लगभग ऑलमोस्ट एक महीना टेस्ट किया है और इन एक महीने में क्या क्या चीजें बाहर निकल कर आई है, अच्छा बुरा, वो डिटेल में आपको बताएंगे। हमारे कंक्लूजन का इंतजार करना, एंड में बहुत सारी चीजें आपको इस फोन के बारे में बताएंगे, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फोन लेना है या नहीं लेना है। ऐसे फुल रिव्यूज हमारे चैनल पर आते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और खूब सारा प्यार दीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी जरूर देना। अब पहली चीज यहां पर उठाते हैं इसका सॉफ्टवेयर, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। मैंने वन यूआई 6 और ऑक्सीजन ओएस के बाद अगर किसकी तारीफ करिए तो वो नथिंग ओएस की करिए। काफी स्मूथ, काफी फास्ट और यहाँ पर कोई एड्स और ब्लोटप्रेस का लफड़ा नहीं। आज की तारीख में अगर आप देखोगे रियलमी, शाओमी, इन्फिनिक्स, इनफैक्ट आईको भी कहीं ना कहीं आपको ब्लोटप्रेस, ग्लैंड्स, लॉक स्क्रीन, ये सब चीज़ हमें देखने को मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सीमलेस एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है, तो ये सबसे पहली चीज़ जो मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी है। और साथ ही साथ इसमें एनिमेटेड विजेट्स आपको मिलते हैं, तो उसके जो विजेट्स है, इसका जो मोनोक्रोम वाला जो सब जो मोड है वो देखकर काफ़ी क्लीन और काफ़ी मिनिमलिस्टिक लगता है। लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको विजेट्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ इसमें एक वॉइस रिकॉर्डर है जिसमें वॉइस फोकस वाला भी ऑप्शन दिया। अगर आपको वॉइस रिकॉर्डिंग भी करना है नॉर्मली भी, तो आपको बैकग्राउंड नॉइस को ये थोड़ा किल करके देता है, तो ये फीचर भी उन्होंने डाला जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा देखने में। कॉल रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है, लेकिन हाँ गूगल डायलर है, होपफुली फ्यूचर में नथिंग अपना खुद का डायलर दे दे, तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बाकी इसमें एक अपडेट आया था और नथिंग ओएस 2.5.3 यहाँ पर अब हो चुका है, लेकिन यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच थी वो 1 फरवरी की ही थी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी मार्च एंड होने को आया, तो शायद लगता है कि अप्रैल में आपको मार्च सिक्योरिटी पैच मिल जाए, बट उसके अंदर आपको बहुत सारे कैमरे के इंप्रूवमेंट्स देखने को मिले। एक तो उन्होंने अल्ट्रा XDR वाला अपडेट लेके आया, जो कि हमने जब कैमरे में चेक किया तो हमने कोई XDR वाला मोड नहीं देखा, लेकिन हमने अल्ट्रा HDR मोड देखा, जो सिमिलर ही रहता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इसमें फोटो को वो एनहांस करता है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर नोटिस किया। HDR कलर का करेक्शन और सेल्फी की कुछ इंप्रूवमेंट्स करी है। बाकी परफॉर्मेंस को लेकर यहाँ पर आप देखेंगे बैकग्राउंड ऐप एनहांसमेंट करी है और साथ ही साथ 3 नए विजेट्स भी ऐड करे हैं, एक कैमरा, रिकॉर्डर और बैटरी, जो आप देख सकते हैं काफ़ी कूल लग रहे हैं। उसी के साथ वीडियो जब एडिट हो रहा था तो उसी के बीच सरप्राइजिंगली एक और बड़ा अपडेट आया और इसमें बहुत सारे बग्स फिक्स्ड हुए हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि कैमरे को लेकर उन्होंने काफ़ी सारे अनाउंसमेंट्स किए हैं, बहुत सारे कलर एक्यूरेसी को इम्प्रूवमेंट्स करी है। इनफैक्ट जो अल्ट्रा HDR का ऑप्शन डाले थे उसमें भी उन्होंने चेंजेस करे हैं ब्राइटनेस को और फोटो क्वालिटी को लेकर। पोर्ट्रेट मोड को थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने एनहांस किया है और साथ ही साथ जो कलर कंसिस्टेंसी थी बिटवीन नॉर्मल फोटोज और अल्ट्रा वाइड, जो कि मैंने इतना नोटिस नहीं किया था, उसमें भी कहीं ना कहीं उन्होंने इंप्रूवमेंट्स करी और ओवरऑल कैमरा का जो परफॉर्मेंस था उसको उन्होंने इंप्रूव किया है। जनरल इंप्रूवमेंट्स भी यहाँ पर हुए, अगर आप देखोगे कि गेमिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर उन्होंने इंप्रूव किया, जो पहले मुझे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई थी, बट यहाँ पर उन्होंने और भी इंप्रूव किया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो अपडेट है वो यहाँ पर क्लियरली मेंशनड है और जो मैंने भी नोटिस किया था कि जब भी मैं कोई भी ऐप ओपन करता था, स्पेसिफिकली कैमरा ऐप, और जैसे ओपन करके बंद करता था तो वहां पर स्टटर और लैग होता था, तो यहां पर उन्होंने लिखा है ऑप्टिमाइज्ड द एनिमेशन स्टटर व्हेन लॉन्चिंग एंड एग्जिटिंग एप्स, तो ये चीज उन्होंने फिक्स्ड करा। तो अब जब हमने चेक किया अपडेट करने के बाद तो वहां पर कोई भी लैग स्टटर नहीं था, तो ये चीज मुझे यहां पर काफी अच्छी लगी है। बाकी बहुत सारे ऐसे और भी बग्स फिक्स्ड हुए हैं, आप देख सकते हैं नीचे क्लियरली, और अपडेट साइज भी ज्यादा नहीं है 77, क्योंकि पहले ऑलरेडी 253 MB का दे दिया था, ये बीच में एक ओरल अपडेट उन्होंने ऐड किया और ये सारी चीजें भी हमने जब चेक किया तो पहले से इन मामलों में काफी इंप्रूवमेंट्स आया है। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें आपको AI वॉलपेपर का सपोर्ट मिलता है। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं कि आप जब इस ऑप्शन में जाते तो 2 साइमल्टेनियस वॉलपेपर आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं और फिर उनको मर्ज करके आपको एक अपना नया AI वॉलपेपर देता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे कूल AI वॉलपेपर्स चाहिए, डबल आपको ऐप वॉलपेपर्स को मर्ज करके मजे लेना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जितना भी हमने इस फोन में किया है वो कमाल है। नेटवर्क कॉल क्वालिटी की बात करें तो भाई देखिए, आपको इसमें 5G मिलता है, हमने 5G सिम कार्ड लगाया और हमें प्रॉपर 5G नेटवर्क शो किया है। इसमें कोई भी एरर और कोई भी ऐसा इश्यूज नहीं आया, नेटवर्क ड्रॉप के कोई लफड़े नहीं हुए, दोनों सिम हमने चेक किया, दोनों में प्रॉपर 5G चलता है और कॉल क्वालिटी भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे टीम मेंबर में जिसको हम देते हैं टेस्ट करने के लिए, वो इसमें ही सिम लगाकर प्राइमरी बात करते रहते, बट कोई भी इस मामले में हमारे शीट में कोई कंप्लेंट नहीं आई कि भाई इसमें कॉल में इश्यूज है। तो कॉल क्वालिटी यहाँ पर आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, वहां पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज मुझे अच्छी लगी। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.7 इंच की फुल HD प्लस की एक फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले है। डिस्प्ले लगता है साइज काफी ह्यूज है, डेफिनेटली है,
लेकिन बात यह कि हाथ में जब होल्ड करके यूज करते तो छोटा फील होता है। आई डोंट नो व्हाई, ये पहले बार ऐसा मुझे किसी फोन के साथ फील हुआ कि नथिंग का नाम सुन के हो रहा है, मे बी आई डोंट नो व्हाई, बट ऐसा लग रहा है मुझे। एनीवेज, यहाँ पर ये एक 30 हर्ट्ज टू 120 हर्ट्ज के बीच में अडैप्टिवली सिंक करता है। अगर आप स्मार्ट मोड सेलेक्ट करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने रिफ्रेश रेट को सिंक करता है, तो वो फीचर यहाँ पर दिया गया। और जो पीक ब्राइटनेस इसकी वो इंप्रेसिव है, आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। डायरेक्ट सनलाइट में अगर आप जाते हैं तो ही वो पीक तक जाता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। हमने आउटडोर में बार्सिलोना मैंने इसका डिस्प्ले का टेस्ट किया था और काफी इंप्रेसिव था, मतलब क्वाइट विजिबल था। मैं सैमसंग से कंपेयर नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो डिस्प्ले हमने इसके प्राइस के हिसाब से देखा था वो मुझे सही लगा। गोरिल्ला ग्लास 5 की डिस्प्ले पर आपको प्रोटेक्शन है, लेकिन स्क्रीन गार्ड भी लगा करती है, ये भी चीज यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ ये 10 बिट वाले डिस्प्ले, इसमें कलर्स, इसके जो वीडियो के जो सैचुरेशन और जो शार्पनेस थी हमने जब नोटिस किया था प्लेबैक में, वो बहुत अच्छा है। और डिस्प्ले में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वगैरह मिलता है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। नेटफ्लिक्स में आपको HD है, प्राइम वीडियो में हमने चेक किया तो हमें कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, मे बी एक बग हो सकता है तो शायद वो लोग फिक्स कर दें। और यूट्यूब में आपको 2160p 60fps में HDR का सपोर्ट मिलता है, तो अगर आपको यूट्यूब पर HDR वीडियोस देखने तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों जो डिस्प्ले पैनल है फ्लैट है, काफ़ी अच्छा है, बेजल्स भी कम है, पंचोल भी छोटा है, तो काफ़ी कमाल का प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बैटरी की बात करेंगे, 5000 एमएच की बैटरी है और ये पहला नथिंग का फोन है जिसमें आपको 5000 एमएच की बैटरी मिलती है। 45 वोल्ट चार्जिंग, जो अच्छा लगा कि उन्होंने 45 का ही सपोर्ट दिया, बट अनफॉर्चुनेटली चार्जर बॉक्स में नहीं है, तो ये मेरा एक फीडबैक है नथिंग को कि भाई प्लीज़ आप बॉक्स में चार्जर दे दीजिए। ये दूसरी जो ब्रांड्स कर रही है इनको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि चार्जर एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड है जो होना ही चाहिए। अच्छा, अगर हम बैटरी ड्रेन टेस्ट की बात करें तो 97% पर हमने इसको स्टार्ट किया और हमने 4K वीडियो रिकॉर्डिंग किया, हमने प्लेबैक नहीं किया, यूट्यूब पर कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग किया वो भी 4K के अंदर, और ये लगभग 2 घंटे के बाद 31% ड्रेन हुआ। इससे ये पता चलता है कि अगर आप इसमें हैवी यूज करते हैं, स्ट्रेस डालते हैं, तो डेफिनेटली ये पूरा दिन आपको बैकअप आराम से देगा। हमने एक मेगा बैटरी ड्रेन टेस्ट किया है, उसमें हमने बहुत सारे फोन्स को एक साथ ड्रेन किया है, इसमें नथिंग फोन 2A भी है, वो वीडियो शायद आपने देखा रहेगा या अभी आने वाला होगा, तो आपको उसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, इसकी 5000 mAh बैटरी को अगर हम 45 वोल्ट चार्जिंग से फुल चार्ज की बात करते हैं तो 1 घंटा लगेगा आपको उसको फुल चार्ज करने में। ओवरऑल दोस्तों बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, क्योंकि जो UI है, जो सॉफ्टवेयर है, इसका भी ऑप्टिमाइजेशन कहीं ना कहीं हुआ है। ये कंबाइंड करके मैं बोलता हूं कि आपको पूरा दिन बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, इसमें है MediaTek Dimensity 7200 Pro। जी हाँ, अब ये एक कस्टमाइज्ड TSMC चिपसेट है, इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं, सिर्फ क्लॉक स्पीड का फर्क है। और 4 nm पर आपको मिलती है, जो कि Dimensity 7200 आपको ये देता ही है चिपसेट, लेकिन साथ ही साथ LPDDR4X और UFS 2.2। बट ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, एटलीस्ट LPDDR5 और UFS 3.1 होना चाहिए था, या अगर आपने LPDDR4X दिया है तो UFS 3.1 होना चाहिए था। काफ़ी सारे ब्रांड्स यहाँ पर इस प्राइस रेंज पर हमें UFS 3.1 देते हैं, बट इन्होंने यहाँ पर आई डोंट नो ऐसा क्यों किया। इसीलिए यहाँ पर उन्होंने एक अपडेट पुश किया और इसमें लिखा है कि एनहांस्ड बैकग्राउंड ऐप परफॉर्मेंस, जो बैकग्राउंड में ऐप रहता है मेमोरी में, वो रहता है या नहीं रहता है, रहता है। क्योंकि ये जो अगर आप देखोगे YouTube का ऐप, मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था, लगभग मुझे काफ़ी टाइम हो गया, और मैंने सिर्फ ऑडियो एक्सपीरियंस करने के लिए ये ओपन करके रखा था, और अब जाके मैंने जब ओपन किया तो वापस से वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो यानी कि बैकग्राउंड ऐप को उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, फिर भी एक्सपेक्टेशन यही है कि रैम स्टोरेज सपोर्ट उनको थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। बाकी हमने इसके अंदर जो है वो एक रेंडरिंग टेस्ट किया था, 4 मिनट का हमने एक रेंडर किया है, फुल HD वीडियो डालकर देखा, और 2 minutes 48 seconds में ये इसने कंप्लीट कर दिया, जो कि अच्छे रिजल्ट्स थे। और मैक्स हीट भी 35-36 के बीच में था, रेंडर में वैसे इतना ज़्यादा हीट होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट्स निकल कर आए थे वो काफ़ी अच्छे निकल कर आए थे। हमने जेंशन इंपैक्ट जैसे हाई एंड ग्राफिक्स वाला गेम भी इसमें खेला है, 1/2 घंटे तक कॉन्स्टेंट 60fps फ्रेम रेट्स आए थे, और बेस्ट बात ये थी कि इसमें भी मैक्स 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो हीट हुआ था। एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो अराउंड 7 lakh के आसपास आपको मिलता है, जबकि मैंने Dimensity 7200 के स्कोर 7 lakh के ऊपर भी देखे, बट ठीक है। लेकिन CPU थ्रॉटल बहुत अच्छा था, 86% आया था, ज्यादा थ्रॉटलिंग नहीं था, बट थर्मल्स थोड़े से ऊपर थे 43 डिग्री सेल्सियस। ऑल इन ऑल अगर हम सब कुछ जोड़कर देखते हैं इन टेस्टिंग से क्या निकल कर आता है कि आपको जो परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है वो बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि आप BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी हाई एंड ग्राफिक्स पर गेम, जैसे हमने जब जेंशन इंपैक्ट खेल लिया तो वो सब तो इसके सामने बच्चे ही है, लेकिन थर्मल्स भी बहुत अच्छे निकल कर आए, परफॉर्मेंस इसकी काफ़ी अच्छी है अपार्ट फ्रॉम रैम और स्टोरेज सपोर्ट। कैमरे की बात करते हैं, आपको यहाँ पर 2 कैमरा सेटअप मिलता है, 50 और 50 मेगापिक्सल। उन्होंने एक मेन सेंसर दिया है, एक अल्ट्रावाइड सेंसर दिया है, ये कोई 2 मेगापिक्सल वाले गेम नहीं खेलते। और मुझे अच्छा लगता है कि नथिंग जो काल पी है ना कहीं हम जैसे यूट्यूबर्स की तरह भी सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए और वो चीज़ करते हैं, तो ये चीज़ मुझे बढ़िया लगती है। आपको F1.88 अपर्चर है, OIS और EIS दोनों यहाँ पर देखने को मिलता है। अब ये डिपेंड करता है, OIS कभी कभी नाइट के अंदर अगर आप फोटोज लेने की कोशिश करते हैं तो वो ब्राइट और थोड़े ब्लर फ्री फोटोज देता है, EIS कभी कभी वीडियो में भी
काम में लिया जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वीडियो में आपको OIS ही मिलेगा, कभी कभी EIS भी मिलते हैं। और साथ ही साथ आपको Max 4K वीडियो का सपोर्ट मिलता है और कैमरे में काफी सारे फीचर्स, पोर्ट्रेट आपको फीचर्स मिलता है 1x 2x, आपको एक 50 मेगापिक्सल का मोड है, फोटो में आपको Max 10x जूम है, वीडियो में आपको भी 10x जूम यहाँ पर मिलता है। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन है जिसका फायदा उठा सकते हैं। और अगर आप मैं सेल्फी की बात करूँ तो 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, यहाँ पर कोई कंजूसी नहीं करी उन्होंने, काफी अच्छी क्वालिटी की सेल्फी दिया है और फुल HD 60fps, यहाँ पर कोई 4K नहीं है बट फुल HD 60fps में आपको सेल्फी में सपोर्ट मिलता है। स्लो मोशन वीडियो से स्टार्ट करते हैं, हमने काफ़ी वीडियोस निकाले लेकिन स्लो मोशन क्वालिटी अच्छी है, कुड हैव बीन बेटर। ऐसा लगता है कि मैक्स 120 fps है बट यहाँ पर आपको, मुझे लगता है कि 480 fps एटलीस्ट होना चाहिए था, क्योंकि आजकल लोग स्लो मोशन वीडियोस में बड़ा मजा लेते हैं, तो ये थोड़ा कम लगा मुझे। बाकी अगर आप पिक्चर की क्वालिटी देखते तो हमने एक अपडेट के बाद ही यहाँ पर फोटोज़ निकाले थे तो फोटोज़ काफ़ी अच्छे निकल कर आते, बट एक चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस करूँगा कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस फेस पर डाल देता है जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा फोटो देखकर लगेगा कि ये ओवर सैचुरेटेड है। अगर आप ये पोर्ट्रेट शॉट्स पर गौर करते हैं तो फेस काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है इसके ऊपर, जो कि मैंने दूसरे फोन्स पर नहीं देखा। दूसरे फोन्स थोड़े वाइब्रेंट होते हैं जो देखने में अच्छे लगते हैं, ये थोड़ा सा मुझे डिसेंट लगा, लेकिन ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। डायनामिक रेंज में भी आपको मैं बता दूँ, अगर ये ट्री वाला फोटो अगर आप देखोगे गौर से जूम करते हैं तो एक बॉर्डर आता है पीछे स्काई से और ट्री के बीच पे, जो बेसिकली क्या करता है कि आपको बताता है कि पीछे स्काई को उसने ऑटोमेटिकली HDR में डाला है और उसकी हल्का सा जो उसका इफेक्ट है वो ट्री पर भी दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिफिशियली काम किया गया जो आपको यहाँ पर बहुत गौर से दिखेगा, ऐसा नोटिस हम करवा रहे बट ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके अलावा अगर आप सेल्फी देखते डे की तो सेल्फी भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है, कलर करेक्शन वगैरह सब कुछ बढ़िया है, डायनामिक रेंज इनफैक्ट सेल्फी में भी अच्छा है, इंप्रूवमेंट्स हुई है मैं पहले से ये ज़रूर कहूँगा। नाइट के अंदर भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट्स हुई है, जो पहले मैंने फोटोज़ निकाला था उससे अब यहाँ पर नाइट में मैंने इंप्रूवमेंट देखा हो। इनफैक्ट नाइट में अब ओवर शार्पनिंग को कम कर दिया है, सेल्फी में अगर आप सेल्फी शॉट्स देखते हैं तो अब ओवर शार्पनिंग नहीं है जो पहले मैंने नोटिस किया था, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो साथ ही साथ अगर मैं वीडियो क्वालिटी की बात करता हूँ डे की, तो स्टेबलाइजेशन अच्छी है, डायनामिक रेंज अच्छा है और सेल्फी वीडियो भी देखते हैं डे में तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा काम किया गया। नाइट के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, अगर आप देखोगे तो HDR का यहाँ पर काम लिया गया और अच्छे खासे आपको स्टेबल वीडियोज़ भी मिलते हैं और नाइट की वीडियो क्वालिटी, तो मैं ये गौर से देख कर ये बोल सकता हूँ कि काफ़ी कम ऐसे फ़ोन्स हैं जो इस प्राइस पर इतने अच्छे नाइट के वीडियोज़ निकाल सकते हैं। और सेम गोज़ फॉर सेल्फी, सेल्फी कुड हैव बीन बेटर लेकिन सेल्फी भी यहाँ पर नाइट में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो कैमरे में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ओवरऑल फोटोज़ तो ये अच्छे लेता ही था, कहीं ना कहीं उन्होंने इंप्रूवमेंट्स किया है लेकिन अपडेट के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा ओवर भी हो चुकी है, तो ये उनको कहीं ना कहीं फिक्स करना चाहिए। डिज़ाइन को भी उठा लेते हैं दोस्तों, अब डिज़ाइन में क्या है, देखिए आपको एक ट्रांसपेरेंट बैक मिलता है और इस बार उन्होंने आपको NFC के अंदर ही कैमरे का सेटअप दिया है, तो ये उन्होंने बताया था तो मैं आपको बता रहा हूँ। दो कलर्स मिलते हैं, एक ब्लैक और एक वाइट। ब्लैक में बहुत ज़्यादा स्मजेस पड़ते हैं, उंगलियों के निशान काफ़ी पड़ जाएंगे, वाइट में इतने नहीं दिखेंगे। ब्लैक में अगर आपको ग्लिफ इंटरफेस को फ्लॉन्ट करना है तो आप वो ब्लैक ले लीजिए, अगर आपको स्मजेस कम चाहिए तो आप वाइट ले सकते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ग्लिफ इंटरफेस की बात करें तो तीन ही जगह आपको मिलता है, एक ऊपर लेफ्ट में और एक साइड में, और यहां पर आपको ग्लिफ के सारे फीचर्स मिलते हैं, प्रोग्रेस बार मिलता है, वॉल्यूम इंडिकेटर से, और साथ ही साथ आपको अगर नोटिफिकेशन है, ग्लिफ टू फ्लिप है, जो भी है ये सब कुछ मिलता है। बट कुछ ऐसे चीजें हैं जो नथिंग फोन 1 और 2 में था जो 2A में नहीं है, अगर मैं ग्लिफ की बात करता हूँ। एक तो यहाँ पर आपको इसमें चार्जिंग पर जब आप लगाते तो आपको नीचे जो है वो चार्जिंग इंडिकेटर का जो ग्लिफ है वो नहीं देखने को मिलता, क्योंकि वहां पर ग्लिफ है ही नहीं तो आपको कहां से देखा। ऊपर वो लोग ट्राई कर सकते थे इस तरफ लेकिन यहां पर नहीं हुआ है, तो ये चीज हमने देखा कि वो नहीं है, चार्ज पर लगाते तो कोई इन्फॉर्मेशन आती नहीं है। और जब आप कैमरे से रिकॉर्डिंग चालू करते तो एक रेड कलर का इंडिकेटर होता था, आपको याद होगा फोन 1 और फोन 2 में बैक में आपको दिखता था, वो यहां पर नहीं है। तो ये दो चीज हमने देखा है, वो नहीं है। बाकी पीछे प्लास्टिक बैक है और आपको प्लास्टिक फ्रेम मिलता है, लेकिन यहां पर फ्रेम्स जो है वो थोड़ा सा ब्रश्ड है और ऐसा मैट टेक्सचर जैसा फील दिया है, तो ये चीज यहां पर अच्छी है। स्पीकर क्वालिटी भी दोस्तों अच्छी, मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं, फुल वॉल्यूम पर है तो काफी बढ़िया बेस है और इसकी वॉल्यूम क्वालिटी है वो, मुझे कोई डिस्टॉर्शन जैसा फील नहीं आया, तो ऑडियो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। डुअल माइक आपको मिलता है, आपको टाइप सी पोर्ट है, यहाँ पर आपको डुअल सिम देखने को मिलता है और वॉल्यूम बटन्स लेफ्ट में है, राइट में पावर बटन है और उसमें आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है, जो कि प्लेसमेंट भी अच्छी है फोन के साइज के हिसाब से और उसका हैप्टिक्स भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल फोन के अंदर जो दूसरे हैप्टिक्स भी है वो काफ़ी अच्छे हैं, जो अच्छे से काम करते हैं।
और हाँ एक चीज़ और आपको बताना भूल गया, IP54 रेटिंग्स भी आपको मिलती है, तो कुछ हद तक पानी के छींटे उड़ जाए, कुछ हो जाए, तो उसको ये झेल सकता है। नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी उठा लेते हैं, आपको जैसे कि मैंने बताया इसमें 5G मिलता है, आपको ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। जो लोगों को नहीं पता है बता देते हैं, ब्लूटूथ 5.3 है, तो इसकी जो लेटेंसी है, जो रेंज है, वो आपको थोड़ा बेटर मिलेगा 5.1 और 5.2 से। वाईफाई 6 आपको मिलता है, 4x4 मीमो यहाँ पर दिया गया है, जो ये रेंज और कनेक्टिविटी के लिए काफ़ी अच्छे से काम करता है। और जैसे कि मैंने कहा आपको इसमें NFC भी मिलता है और सारे सेंसर से सब मिलेंगे, वाइडबैंड L1 भी है और कैमरा टू API भी आपको मिल जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इसकी प्राइस की, तो ये आपको तीन अलग अलग वेरिएंट्स में मिलता है, 8128, 8256, 12256, 24,000 से 23999 से ये स्टार्ट होता है, फिर 25999 और 27999। अगर आप मुझसे पूछते हैं कि इस प्राइस रेंज पर क्या ये फ़ोन अच्छा है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम में ये कह सकता हूँ कि नथिंग फोन टू के अच्छा काम किया है, थोड़ी एग्रेसिव प्राइस रखी है, क्योंकि नथिंग फोन 2 में थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हो गई थी कि भाई इतना अच्छा प्राइस नहीं है फोन, इतना वैल्यू नहीं दे रहा, लेकिन ये वैल्यू दे रहा है। सबसे पहली चीज़ तो इसका सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत अच्छा है, तो मेरे हिसाब से अंडर 25,000 अगर मुझे आपको रिकमेंडेशन देनी हो सॉफ्टवेयर देखकर, इसके डिज़ाइन देखकर, इसका डिस्प्ले देखकर, परफॉर्मेंस देखकर, तो डेफिनेटली, इनफैक्ट बैटरी भी बहुत अच्छी है, तो मैं आपको इसकी रिकमेंडेशन दूंगा। बट मैं ये जरूर कहूँगा कि कैमरा इससे भी अच्छा मैंने देखा, मैंने सैमसंग के OnePlus के फोन में इससे भी अच्छे, इनफैक्ट iQOO भी आजकल अच्छे काम कर रहा है कैमरे के मामले में, तो कैमरा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, बाकी तो ओवरऑल कैमरा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा निकल कर रहा है। तो बहुत ही अच्छा फोन है, बहुत ही अच्छा काम किया नथिंग ने, ऐसा उम्मीद करते हैं बस चार्जर बॉक्स में दे दिया करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और लॉन्गर अपडेट्स भी है, तो ये भी चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर आई है। तो ये हमारा एक फुल रिव्यू है, एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी अगर चाहिए तो आफ्टर 3 या 6 मंथ्स के बाद हम लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।